हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, अभी हम हैं कैब में और जा रहे हैं हम सिद्धिविनायक टेंपल। और दोस्तों, हमारे पास वहां जाने के लिए दो ऑप्शन थे कि आप एक नॉर्मल जो रास्ता है आप वहां से जाएं, और एक है बांद्रा वर्ली सीलिंग जो मुंबई में हैंगिंग ब्रिज है वहां से होकर के। और हमने अपने टाइम को बचाने के लिए और हमने सोचा कि चलो हैंगिंग ब्रिज को देख लिया जाए, उसके लिए हम निकल पड़े। फिर हमने डिसाइड किया कि हम हैंगिंग ब्रिज से होते हुए जाएंगे। और दोस्तों, वहाँ जाने के लिए आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। और हमने जो एक एक तरफ का जो टोल टैक्स दिया था वो हमारा 80 रुपए था। और दोस्तों, इस हैंगिंग ब्रिज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने अपने चैनल पे शेयर की भी है, तो आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप सोच रही हूँ कि हमारी नन्ना कहाँ है, हमारी नन्ना दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों, वो सो गई थी उस टाइम, और उसने अपना एक कोटा पूरा कर लिया नींद का कि बाद में वो परेशान ना हो। बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं करती है दोस्तों। और अब चलते हैं आगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये दूर से ही ब्रिज दिखाई दे रहा है, और इसका जो ब्रिज का जो वजन है वो 50,000 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। और देखिए, हम जैसे जैसे उसके नज़दीक जा रहे हैं, हमें मतलब हमारी जो फीलिंग्स है वो बहुत ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कि पास जाने पर कितना अच्छा लगेगा। तो अभी चलते हैं, देखते हैं आगे। दोस्तों, हम काफ़ी एक्साइटेड हैं, और जितना ज़्यादा पास जा रहे हैं उतना अच्छा फील हो रहा है। और चलते हैं आगे, देखते हैं ये पास से कितना अच्छा लगता है। दोस्तों, अब आ गए हैं हम यहाँ। देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मतलब यहाँ आने के बाद लगा है कि हमने जहाँ अपना अगर 80 रुपए हमने दिए हैं तो वो पूरा पैसा वसूल हुआ है हमारा यहाँ पे। और आप लोगों को भी आना चाहिए एक बार, आप ट्रैफिक से भी बचेंगे और आपको इस हैंगिंग ब्रिज को देखने का भी मौका मिलेगा। और अब हम इससे आगे जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। दोस्तों, अब हमने ब्रिज को क्रॉस कर लिया है और अब आगे चलते हैं। और फाइनली हम पहुंच गए हैं सिद्धिविनायक टेंपल। और दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, बुधवार के दिन काफ़ी रहती है। और हम तो वैसे अदर डे आए थे, लेकिन उस दिन भी क्योंकि आसपास के जो लोग होते हैं, जो जिनका रोज़ाना का होता है कि हमें रोज़ाना गणेश जी भगवान के दर्शन करने हैं, तो वो लोग जाते हैं और हम लोग अब निकल गए थे। ये मेरी सिस्टर है और ये जीजू हैं और ये नन्ना है। ये नन्ना बहुत ज़्यादा नाटक कर रही थी कि मुझे गोदी में लो, गोदी में लो। तो फाइनली हम पहुंच गए थे और ये देख रहे थे कि हमें किस गेट से एंटर होना है। और यहाँ पे आसपास काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं, फूल मालाएं और पूजा की कुछ सामग्री ले सकते हैं। और आप अपने दोस्तों, अंदर चप्पल निकालने की व्यवस्था है, आप बाहर ना निकालें क्योंकि यहाँ आपकी चप्पल गुम होने का थोड़ा रहता है कि कहाँ गई, फिर बाद में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी। उसके बाद देखिए, यहाँ का थोड़ा मार्केट है ये। उसके बाद हमने पूजा की कुछ सामग्री ले ली थी और अब जा रहे हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और दोस्तों, अंदर जाने के लिए काफी लंबी लाइन लगी हुई थी और चेकिंग भी हो रही थी। जो भी आप अपने साथ पर्स बैग वगैरह लाए हैं उसके अच्छे से चेकिंग हो रही थी, और जेंट्स और लेडीज की लाइन अलग अलग थी। देखो, ये चेकिंग
हो रही है हमारे पर्स वगैरह की। अब देखिए यहाँ पे अंदर मंदिर मंदिर से बाहर ही काफी सारी शॉप वगैरह भी हैं, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा भीड़ थी दोस्तों, और अब चलते हैं हम अंदर। पहले दोस्तों लाइन में लगना होगा, उसके बाद ही दर्शन हो पाएंगे। तो पहले देख रहे हैं कि कितना क्या टाइम लग सकता है। किससे मैंने पूछा था, उन्होंने बोला कि 1-1.5 घंटे में आपके दर्शन हो जाएंगे। तो हमने सोचा कि चलो फिर लाइन में ही लग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हर जगह जहाँ भी अगर आप मंदिर वगैरह जाते हैं तो वहाँ VIP दर्शन के लिए VIP टिकट भी होता है, लेकिन आपको नॉर्मल लाइन में ही लग करके दर्शन कर लेने चाहिए। VIP में अगर आप जाएंगे तो आपको चार्ज देना पड़ता है, और अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो आप VIP टिकट ले सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए दर्शन के लिए। दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के लिए काफी संख्या में लोग आते हैं, और लोगों का भगवान के प्रति काफी श्रद्धा होती है। और देख रहे हैं काफी भीड़ है यहाँ पे। दोस्तों आप अपना फोन अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ वीडियो या फोटोज क्लिक करना अलाउ नहीं था, इस वजह से मैंने सिर्फ बाहर का ही वीडियो बनाया और उसके बाद मैंने अपना फोन बंद कर दिया था। और चलते हैं आगे। अब नन्ना भी हमारी हाय कर रही है आप सबको। दोस्तों हमने दर्शन कर लिए थे, और इसमें हमें करीबन 1-1.5-2 घंटे लग गए थे दर्शन करने में, क्योंकि लंबी लाइन थी बहुत। उसके बाद हम आ गए थे, शॉप वगैरह देख रहे थे कि कुछ ले लेते हैं, कुछ फोटोज वगैरह या फिर गणेश जी की मूर्ति वगैरह कुछ ले लेते हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, और नन्ना भी जिद करने लगी थी कि मुझे भी कुछ दिलाओ, तो हम उसको भी कुछ की चेन वगैरह दिला रहे थे। और काफ़ी शॉप हैं, आप यहाँ पे ले सकते हैं अपने मंदिर के लिए, पूजा के लिए कुछ सामान वगैरह ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमने लो फ्लोर ली और निकल गए आगे घूमने के लिए। आगे वीडियो मैं शेयर करती रहूंगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।